हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों की तैयारियां भी तेज हो चली हैं। चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही जोश में नजर आ रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले ही जेजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने सिरसा के चौटाला हाउस में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिला है। पानीपत ग्रामीण से देवेंद्र कादियान, उखलाना से अनूप धानक, नारनौत से राजकुमार गौतम, महेंद्रगढ़ से रमेश पालड़ी, नारनौल से कमलेश सैनी, बाबल से श्याम सुंदर और हथीन से हर्ष कुमार को टिकट दिया गया है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा है कि उम्मीदवारों की सूची सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो इसमें ये मान के चले कि सभी वर्गों को, खासकर युवा को भी, महिलाओं को भी और सभी वर्गों को हमने प्रतिनिधित्व इन 7 सीटों में देने का काम किया है। जैसे हमेशा दुष्यंत जी कहते हैं कि युवा को हम कम से कम 50% युवा जो हैं उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पूरी तरह से पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हमारे लिए तो कहा जाता है कि हम बैरकों में कभी नहीं जाते, हम तो फील्ड में रहते हैं। दुष्यंत जी हों, दिग्विजय जी हों, मैडम नैना सिंह चौटाला जी हों और अन्य पार्टी के संगठन के सभी लोग, रात और दिन हमारा प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुख सुख में शामिल होना। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही जेजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब देखना ये है कि पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा। R9 TV के लिए दिल्ली से जयदीप राठी की रिपोर्ट।